आधार नंबर की मदद से पाओ 15 लाख तक का लोन अकाउंट में इंस्टेंटली। और गाइस मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें बोला गया था कि भाई आप जो है धनी एप्लीकेशन के ऊपर कोई वीडियो लेकर आइए और हमें बताइए कि धनी एप्लीकेशन जो है 3 मिनट के अंदर लोन देती है, क्या यह सही है या गलत है। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो पूरा देखते रहिएगा। सो गाइस हम बात करने वाले हैं आज धनी एप्लीकेशन के बारे में। धनी एप्लीकेशन हाल ही में कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है और काफ़ी अच्छे खासे इसका प्रचार भी हो रहा है। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर काफ़ी ऐड आ रही हैं धनी एप्लीकेशन के, और यूट्यूब के अलावा भी फेसबुक इंस्टाग्राम आप जहाँ पर भी देख रहे हैं वहीं पर काफ़ी ऐड आ रही हैं धनी एप्लीकेशन के और बहुत अच्छा खासा प्रचार हो रहा है। ब्रांड एम्बेसडर जो है इसके वो महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी इसका खुद ऐड कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, फ्रॉड की बात करूँ, तो भाई ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। जिस कंपनी की एप्लीकेशन है वो है इंडिया बुल्स कंपनी, जो कि पिछले 17-18 साल से वर्क कर रही है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर हम आपको लोन दे देंगे सिर्फ आपके आधार कार्ड से। तो भाई ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका सिबिल स्कोर जो है वो 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल भी जाएगा, और आपका जो लोन अमाउंट है सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड के बिना तो आपके सिविल स्कोर का पता नहीं चलेगा, तो पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। ये बोल रहे हैं आधार कार्ड से, लेकिन मुझे लगता है कि पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। मैं भी आज यहाँ से आपको बताऊँ किस तरीके से यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये मेरी सिटी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, क्या ये सभी सिटीज़ के अंदर वर्क करती है या नहीं करती है। तो हम यही चीज़ देखने वाले हैं, अगर मेरी सिटी के अंदर अवेलेबल है, ये वर्क करती है, तो मैं आपको लोन लेकर दिखाऊंगा यहाँ पर आज किस तरीके से लोन लेते हैं धनी एप्लीकेशन से, क्या सच में 3 मिनट के अंदर यहाँ से लोन मिलता है या नहीं मिलता है, सब कुछ मैं आगे दिखाऊंगा आपको। सो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। और भाई अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट इसके अंदर क्या मिलने वाला है वो तो हमें आगे ही देखेंगे, ठीक है। वैसे इसके बारे में बोला गया कि यहाँ पर 36% तक इंटरेस्ट लगता है, तो हम वो आगे देखेंगे कि इतना इंटरेस्ट लगता है और कितने महीने के लिए लोन देती है, कितना लोन ले सकते हैं आप यहाँ से, वो सब हम आगे बात करने वाले हैं इस पर। सो वीडियो पूरा देखते रहिएगा बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल मनी एसपी। इंडिया बुल्स धनी .com पर है, यानी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इनके एक एप्लीकेशन भी है, चाहे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर से साइन अप करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे कि इन्होंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप 5 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 11.99% होगा, तकरीबन 12% आपको इसका इंटरेस्ट देना होगा। 48 महीने के लिए आप ये लोन ले सकते हैं 5 लाख रुपए का। अगर आप चाहो तो इसको 24 महीने, 18 महीने, 15 महीने, 12 महीने के लिए भी कर सकते हैं, और मंथली ईएमआई उसकी होगी 13,164 रुपए की 48 महीने के लिए, और जो प्रोसेसिंग फीस है इसकी 1.5% होगी। तो ये है 5 लाख रुपए के लिए जो इन्होंने बोला है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि ये जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन 12% का लेते हैं, एनुअल होता है ये, एनुअली होता है 12%, ठीक है। तो 12% का ये इंटरेस्ट लेते हैं, ये तो पक्का हो गया है। और भाई आगे जब लोन अप्लाई होगा तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, इन्होंने जो लिखा वो मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ। तो उसके बाद तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर साइनअप कैसे करना है। सिंपली आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, तो चलिए मैं अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ, और मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है यहाँ से साइनअप कर लेता हूँ एक बार। और गाइस जैसे आप साइन अप करते हैं तो इंटरफेस कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलने वाला है। आप यहां से 3 तरीके से लोन ले सकते हैं, पहला तो है पर्सनल लोन, दूसरा है कार लोन, तीसरा है टू व्हीलर लोन। आप यहां से कार लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, टू व्हीलर लोन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फीचर्स की बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये बोले हैं पूरी तरीके से पेपरलेस है, ठीक है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है ऑनलाइन अपने जो पेपर है वो यहाँ पर जमा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपने नंबर डालना हो, जो कुछ भी करना है सब कुछ ऑनलाइन करना है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। सो गाइस सिंपली अगर आप जो है पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, या फिर कार लोन लेना चाहते हैं, या फिर टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अगर 50,000 रुपए लेना चाहते हैं तो उसको आप जो है 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने और 48 महीने के लिए ले सकते हैं। 50,000 ही नहीं, अगर आप यहां से बढ़ाना चाहते हैं इसको 15 लाख ले लीजिए,
चाहे आप जो है 7 लाख ले लीजिए, चाहे आप 3.5 लाख ले लीजिए, चाहे आप 1,000 ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप 1,000 लेते हैं तो 3 महीने के लिए, अगर आप जो है 1 लाख लेते हैं उसको 48 महीने के लिए ले सकते हैं, अगर आप 20,000 लेते हैं तो उसको 24 महीने के लिए ले सकते हैं, और अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तो उसको 3 महीने के लिए ले सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से मैं 1,000 रुपये लेता हूँ 3 महीने के लिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड पर क्लिक कर देना है, और आप कहाँ पर वर्क करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट, तो आप जो है जो भी जहाँ भी वर्क करते हैं वो यहाँ पर कर देना है, तो गवर्नमेंट कर दीजिए या फिर आप जो है पब्लिक सेक्टर कर दीजिए। आप अपनी सैलरी चेक से लेते हैं या फिर बैंक में ट्रांसफर होती है आपकी सैलरी, या फिर कैश लेते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए, जिसमें भी आपकी जो सैलरी वो आती है वो उसमें कर दीजिए, ये सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए है। और उसके बाद जो आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, सिटी, कंपनी नाम और वर्किंग ईमेल एड्रेस ये डाल देना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो अभी हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है आपने सिंपली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट और सिटी ये डालना है। फर्स्ट नेम डाल देना है, तो चलिए मैं अपने यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद स्टेट और उसके बाद मेरी सिटी, तो मैं अपनी सिटी यहाँ पर डाल देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर अपनी सिटी डालता हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि फिर से एरर आता है या नहीं आता है। सो गाइस प्रोसेसिंग यहाँ पर अभी हो रही है, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। ध्यान रहे आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि एक OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है, वो OTP आपने यहाँ पर डालनी है, उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, OTP आपने यहाँ पर डालनी है और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर देनी है, ठीक है, ये सभी आपने एक्सेप्ट कर लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा एक किताब है पूरी, इसको तो पढ़ने नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद OTP आएगी हमारे मोबाइल नंबर पर, तो अब हमने यहाँ पर जो है अपनी OTP डाल देनी है, उसके बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में जो इसका तीसरा प्रोसेस है, तीसरा स्टेप है, उसके अंदर हमें अभी क्या करना है अभी आगे देख लेते हैं, तो वीडियो में बने रहे, देखते हैं कि लोन यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है आज। तो यहाँ पर जो है अभी मेरी जो आधार कार्ड के अंदर जो भी मेरा डाटा है, मेरा नाम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालना है। जैसे कि मैंने बोला था आपको, यहाँ पर पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पैन कार्ड वैसे मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, देख रहे हैं आप राइट का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने पैन कार्ड डाल दिया है और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दिया। लेकिन मेरी जो एप्लीकेशन है यहाँ से इन्होंने रिजेक्ट कर दी, ये बोल रहे हैं कि आपने पहले यहाँ से लोन जो है उसके लिए अप्लाई किया है। भाई मैंने लोन के लिए कभी अप्लाई नहीं किया है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये जो है ऐसा बोल रहा है, और मेरा जो लोन है इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। गाइज मैंने कभी लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ फिर भी ये लिखा रहा है कि आपने जो है पहले कभी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया है, आपका जो लोन कभी पहले रिजेक्ट हो चुका है, या फिर नो रिकॉर्ड फंड आ रहा है इनकी, जो सब कुछ कंप्यूटराइज है यार, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइज सॉरी, इसके आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने में जो मेरा लोन है वो रिजेक्ट कर दिया यहीं पर ही, तो इससे आगे जो दो स्टेप है वो आगे मैं नहीं दिखा सकता आपको। लेकिन अगर आपके सामने ये दो स्टेप अगर आप पार कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपने अपना अकाउंट नंबर उसकी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह देना है, क्योंकि आपकी जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में आएगी, ठीक है, और बैंक अकाउंट में जब आ जाएगी तो भाई नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है अगर आपका आपको यहाँ से लोन मिलता है, ठीक है। सो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 5 कॉमन मिस्टेक्स बिजनेस ओनर्स मेक। 1. नो बिजनेस प्लान। वेदर योर बिजनेस इज लार्ज और स्मॉल, यू नीड अ बिजनेस प्लान। डिवोटिंग टाइम at least once a year to review the strategy and organizational goals helps to ensure the business is moving intently in the planned direction. 2. Unclear purpose. Every organization must articulate why it exists and what it's striving to achieve. Owners must focus time and attention on developing a mission and vision. 3. No employee accountability. Organizations that fail to hold employees accountable for job responsibilities and goal achievement are guilty of mismanaging resources.
Managing employee performance and how work is done is critical to any organization's success. 4. Not anticipating market changes. The market changes quickly in every industry, making it important to keep an eye on shifting trends in areas such as technology or customer requirements. Along with tracking changes, the owner has to include the responsibility of day-to-day operational tasks. 5. Not understanding customers. Your customers pay the bills, so it is important to take the time to learn how customers use your products and services and to create systems and processes to meet those needs. So these are the 5 common mistakes business owners make. Thanks for watching this video. If you enjoyed this video, please do not forget to like and subscribe to our channel. In this channel, you will get information on small business, investing and make money online.